ऑलराइट गाइस, कल मैंने देखा कि यार टेक्नो गेमर ने एक नया गेम प्ले किया जिसका नाम था प्रोथीफ। तो वहीं से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना यार मैं भी एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों को ऐसे 5 एंड्रॉइड गेम के बारे में बताऊं जिसमें यार हम लोगों को चोरों की तरह चोरी करनी होती है। तो कितने जबरदस्त गेम होंगे ना। हाँ ये ठीक है, मुझे पता है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन गेम में सब कुछ चलता है यार। सो फिर स्टार्ट करने से पहले लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी माइंड ब्लोइंग वीडियो आगे भी देखने के लिए। नंबर 1 पे है थीफ रॉबरी सिमुलेटर। यार मतलब मुझे कितना बुरा लग रहा है इन लोगों के लिए यार। तुम देख रहे हो ये कैसे चोर के घर में झांक रहा है। तो भाई ये हस्बैंड वाइफ है जिनके पास बहुत सारा पैसा है और चोर को पता चल गया है, तो इसने डिसाइड किया है कि भाई अब इनके घर में चोरी करेगा। तो अभी ये दोनों जो है ना बाहर सामान लेने के लिए जा रहे हैं, तो चोर ने भाई जो घर पे एंट्री कर ली है। तो जैसे कि यार तुम लोग देख पा रहे हो कि यार यहाँ पर आप लोग काफी सारा सामान चोरी करना होगा, तिजोरी आप लोग देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर बहुत सारे पैसे है, एंड उससे भी उसका चोर का पेट नहीं पड़ेगा। मीन्स चोर तो आप ही होने वाले हो, तो मैं कहना कि आप लोग का पेट नहीं भरेगा, क्योंकि यार आप लोग देखोगे कि यार इस घर में तो लैपटॉप भी है, मतलब कितने सारे PSP यार। मतलब आप लोग मानोगे नहीं कि हर रूम में LED है और वहां पर एक PSP रखा हुआ है, तो सभी कुछ तुम लोग चोरी कर सकते हो। तो यार कितना इंटरेस्टिंग गेम लग रहा है ना। लेकिन यार थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यार पुलिस को पता चल गया ना तो वो आपको पकड़ लेगी। जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो कि जब मैं गेम को प्ले कर रहा था ना तो पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया। तो पता फिर मैंने क्या किया, भाई मैं हूं बड़ा स्मार्ट लौंडा, तो मैंने उनकी कार को चोरी कर लिया। तो यार फिर मैं पूरी सिटी में घूमा, बड़ा मजा आया मुझे गेम को प्ले करने में। नंबर 2 पे है रोबरी मैडनेस 2। मेरे प्यारे भाइयों, पहले वाला गेम अच्छा है, लेकिन यार ये वाला गेम तो भाई आपको हिला के रख देगा। वेल गाइस, कॉन्सेप्ट तो गेम का सिमिलर ही है, क्योंकि चोरी वाले गेम बताने वाला हूं आपको मैं, तो सारे गेम में आप लोगों को चोरी ही करनी होगी। लेकिन पता है मुझे इस गेम में अच्छा क्या लगा है कि यार इस गेम में ना सिर्फ घर नहीं है, मतलब आप लोग घर पे चोरी तो करोगे ही, वहां पे आपको अच्छी चीज देखने को मिल जाएगी, लेकिन यार असली मजा आता है जब हम लोग को जो है ना मॉल के अंदर चोरी करनी होती है। पता असली बात क्या है, क्योंकि यार जो मॉल है ना वहां पर तो रोबोट है जो कि यार अपने को पकड़ने के लिए रखे हुए हैं, तो हमें बड़ा ध्यान से खेलना पड़ता है। जब मैं खेल रहा था ना तो मेरे को इन रोबोट्स ने पकड़ लिया था, लेकिन फिर मैंने ट्राई किया तो मैं समझ गया था मुझे क्या करना है। तो फिर पता है मैंने क्या किया, मैंने देखा यार मॉल के अंदर टनल है, तो टनल के अंदर मैं गया और मैंने सारा सामान चोरी कर लिया। तो मैं सच बता रहा हूं इस गेम को भी खेलने में बहुत ज्यादा मजा आया। आप लोग को जो काफी सारा सामान चोरी करना होता है, एक तरीके से इसमें टारगेट होता है कि हर लेवल के अंदर आप लोग को इतना सामान चोरी करना, उसके बदले आप लोग को इतने पैसे मिल जाएंगे। तो सीरियसली गाइस ये भी बहुत ही जबरदस्त गेम होने वाला है। साइज गेम को सिर्फ 75 MB का है। नंबर 3 पे हाइस्ट थेफ्ट रॉबी। सबसे पहले तो गाइस इस गेम को खेल के भाई मुझे लगा कि मैं एक तरीके से GTA 5 गेम में चोरी कर रहा हूं, क्योंकि इस गेम में ऐसा कोई वो बैरियर नहीं है कि यार मतलब नहीं लेवल के अंदर गेम डिवाइड है, ना भाई ना, पूरी तरीके से ओपन वर्ल्ड गेम है ये। सिटी के अंदर आप लोग घूम सकते हो और जो भी आप लोग को बिल्डिंग लगे ना कि भाई ये वाली बिल्डिंग अच्छी है इसमें मैं चोरी करूंगा, तो वहां पर आप लोग चोरी कर सकते हो। बेस्ट चीज पता है मुझे इस गेम में क्या लगी है, यार सामान को चोरी करने के बाद हम लोग को जो सामान को बेचना होता है उसके बदले हम लोग को पैसे मिलते हैं, एंड सीरियसली इसमें बहुत ही मजा आएगा। नंबर 4 पे स्टील एंड लूट। वेल गाइस, गेम का नाम ही आप लोग को बोल रहा है कि स्टील एंड लूट, मतलब यार चोरी करो और मजा करो। यार जैसे तुम इस गेम को प्ले करना स्टार्ट करोगे ना, आप लोग देखोगे कि यार एक बहुत ही बढ़िया ओपन वर्ल्ड दिखाया हुआ है, वहां पर यार लोग घूमते रहते हैं, तो तुम उनके मजे नहीं ले सकते हो सिर्फ दिखाने के लिए। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या हुई कि जब मैं चोरी करने के लिए किसी के घर के बाहर गया ना, तो मैंने देखा कि यार वहां पे ताला लगा हुआ है, तो उसके ताले को मैं नहीं तोड़ पाया। फिर मैंने देखा कि यार कुछ लोग घर पे शीशा लगा हुआ है, तो मैं शीशे को नहीं तोड़ पाया। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं भाई, ये इतना सिंपल गेम नहीं होने वाला है, क्योंकि यार इस गेम के अंदर हम लोग को पहले जो ना चोरी करने की स्किल सीखनी होती है। आप लोग को जो कई सारी स्किल अनलॉक करनी पड़ेगी, लाइक ताला कैसे तोड़ना है, शीशा कैसे तोड़ना है, इसी के साथ आप लोग कई सारे टूल्स भी बाय करने पड़ेंगे, लाइक लॉक पैड टूल, सेफ ट्रैकिंग, कार स्टीलिंग किट। तो मतलब ये गेम पिछले गेम जितना मजेदार तो है, लेकिन थोड़ा सा उससे बेटर गेम है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। नंबर 5 पे है स्नेक थीफ सिमुलेटर। देखा जाए तो यार ये वाला गेम भी अच्छा है खेलने में, टाइम पास करने में मजा आएगा। बस गेम में मुझे एक कमी लगी है कि यार गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी है, बाकी यार गेम सही है। यहाँ पर भी आप लोग को ओपन वर्ल्ड देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप लोग काफी सारी बिल्डिंग मिल जाएगी, तो उसके अंदर आप लोग को जाना है और सामान को चोरी करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ यार खेलने में
मजा आएगा आप लोगों को। चलो फिर गाइस, मैंने आप लोगों को ऐसे 5 एंड्रॉइड गेम बता दिए है जो कि प्रो थीफ की तरह होने वाले है। इन सभी गेमों में देखो आप लोगों को चोरी करनी पड़ेगी और आप लोगों को सच बता रहा हूँ खेलने में मजा आएगा। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगी होगी, तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है एंड मेरी मानो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारा भाई आप लोगों को पता ही है कि ऐसी टॉप एंड्रॉइड गेम्स की वीडियो लाता रहता है। वेल गाइस, अब मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जिससे मैं आप लोगों के लिए फिर से कुछ जबरदस्त एंड्रॉइड गेम्स लेकर आऊंगा। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय।